बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमेशा इस हुकूमत की एक नया लतीफ़ा और एक नई नाकामी और नाहली सामने आती है, और आज सबसे बड़ा लतीफ़ा यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर के कोर्ट सईद ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के अंदर जो है वो वैक्सीन लगा दी गई है, उनके नाम के ऊपर जो है वो उसका इंदराज मौजूद है, और मज़े की बात यह है कि NCOC के रिकॉर्ड में उसको अपलोड भी कर दिया गया है। सो इससे बड़ी नाकामी और नाहली क्या हो सकती है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां मियां साहब का पहले ही ID कार्ड ब्लॉक्ड है तो एंट्री कैसे हो गई, पहला सवाल, और दूसरी बात यह है कि जो अत्ता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमेशा इस हुकूमत की एक नया लतीफ़ा और एक नई नाकामी और नाहली सामने आती है, और आज सबसे बड़ा लतीफ़ा यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर के कोर्ट सईद ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के अंदर जो है वो वैक्सीन लगा दी गई है, उनके नाम के ऊपर जो है वो उसका इंदराज मौजूद है, और मज़े की बात यह है कि NCOC के रिकॉर्ड में उसको अपलोड भी कर दिया गया है। सो इससे बड़ी नाकामी और नाहली क्या हो सकती है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां मियां साहब का पहले ही ID कार्ड ब्लॉक्ड है तो एंट्री कैसे हो गई, पहला सवाल, और दूसरी बात यह है कि जो अत्ता